अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए थाईलैंड स्टाइल में स्पैगेटीज़ की रेसिपी लेके आई हूँ, जो आपको बहुत पसंद आएगी। काइंडली हमारे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। हम न्यू यूट्यूबर्स को सपोर्ट किया करें, हमारी वीडियोज़ को फुल वॉच किया करें। थैंक यू सो मच आप सबका। चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ के जी बोनलेस चिकन ले लिया, जिसको मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। और मैंने यहाँ पर लहसुन जो उनसा चॉप है वो करके रखा हुआ है, तकरीबन एक टीस्पून के करीब, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अब ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनी थी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। यहाँ पर मैं एक टीस्पून ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक पेपर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है स्पैगेटीज़ में। यहाँ एक टीस्पून मैंने रेड फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर एक टीस्पून मैं चिकन पाउडर यूज़ कर रही हूँ। हाफ टी स्पून मैं इसमें सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो चिकन पाउडर यूज़ किया है उसमें सॉल्ट होता है। यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं ऑयल यूज़ करूँगी, और जो सोया सॉस यूज़ करूँगी उसमें भी सॉल्ट होता है, इस वजह से सॉल्ट मैंने कम यूज़ किया है। ये मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाला है। 1 टेबल स्पून मैंने विनेगर यूज़ किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सब स्पाइसेस चिकन पर अच्छी तरह से लग जाएं। अब मैं यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ करें, बेशक ना करना चाहें तो ना यूज़ करें। मैं यूज़ कर रही हूँ, इनको बाइंडिंग के काम आता है कॉर्नफ्लावर। इसको अच्छी तरह से हम मिक्सअप मैं इसको मिक्सअप करके अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेशन के लिए रख दूँगी आधे घंटे के लिए। यहाँ पर मैंने पानी बॉयल कर लिया है, जिसमें मैं स्पैगेटीज डालूँगी, और इसमें मैं 1 टीस्पून सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, और तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ताकि स्पैगेटीज अलग लग रहे हैं, वो आपस में जुड़े नहीं। ये आप देख सकते हैं थाईलैंड स्टाइल स्पैगेटीज हैं, ये सिंपल स्पैगेटीज नहीं हैं, थाईलैंड स्टाइल में ऐसी स्पैगेटीज चलती हैं। अब मैं इनको बॉयल होने के लिए इसमें डाल रही हूँ, या ऐसा ऐसा खुद ही अंदर हो जाएंगी, जब बनना शुरू होंगी तो ऐसा ऐसा ही खुद ही अंदर चली जाएंगी। आप देख सकते हैं कि अब बॉयल होना स्टार्ट हो चुकी हैं ये। कम से कम इन्हें हाई फ्लेम पर 8 से 10 मिनट लगते हैं बॉयल होने में। ये 80% डन हो तो इनको मैं टर्न ऑफ कर लूँगी फ्लेम को। ये आप देख सकते हैं 80% डन हो चुकी हैं। मैं अब इसको पानी में से अच्छी तरह से गुजार लूँगी, ताकि ये अलग अलग खिली खिली रहें। यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है, जिसको मैंने गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें मैरिनेटेड चिकन को ऐड करूँगी, और इसको मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको फ्राई करना है। आप भी मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा, ताकि चिकन भी गल जाए, और बर्तनों को अच्छी तरीके से साफ़ किया करें, रिस्क ज़ाया नहीं होना चाहिए। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून तिक्का मसाला यूज़ कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा देसी टच देने के लिए मैंने इसमें तिक्का मसाला यूज़ किया है। मैं तकरीबन इसमें 1 कप के करीब पानी डालकर इसको दम पर रख दूँगी, ताकि ये चिकन अच्छी तरह से गल जाए। वो भी मीडियम फ्लेम पर रखूँगी, लो फ्लेम पर नहीं रखना। इसको कवर करके मैं तकरीबन 10 एक मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब आप देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, और इसका पानी भी काफ़ी हद तक स्लो हो चुका है। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ, जिसमें बंद गोभी मैंने बारीक कटिंग कर ली थी, कैरेट है, अनियन है, और मैंने इसमें शिमला मिर्च को भी एक ही तरह की
मैंने कटिंग विंग करके डाला है इनको। मैंने जूलियन कटिंग में करके डाला है, आपकी मर्ज़ी है, आप छोटे छोटे बॉक्सेस में भी कटिंग करके डाल सकते हैं वेजिटेबल्स को। वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं स्पैगेटीज में, मैक्रोनीस हो, कोई भी चीज़ हो जिसमें वेजिटेबल्स यूज़ हों उसमें उनका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। हाँ, मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इनको से जस्ट पकाया, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ओवर कुक नहीं करना। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने इसमें विनेगर यूज़ किया, 1 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस यूज़ किया और 1 ही टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाला था। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 मिनट और मज़ीद हम इसको पकाएंगे। वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करना है, जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए हमने इनको कुक करना है इसमें चिकन में, ताकि इसका मसाला अच्छी तरह से वेजिटेबल्स पर भी लग जाए। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको थाईलैंड स्टाइल में सर्व करके दिखाती हूँ। आप ये नूडल्स देख सकते हैं कि बिल्कुल अलग अलग खिली खिली सी हैं, क्योंकि मैंने इनको अच्छी तरह से ठंडे पानी से वॉश किया था 5-7 बार, जिसकी वजह से ये खिली खिली हैं। देखिए, अब मैं चिकन का पेस्ट इसके ऊपर सेट कर रही हूँ। सेम थाईलैंड स्टाइल में मैं इनको सेट करके प्लेट आपको सेट करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मिक्सअप करके भी आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि इसका कितना प्यारा कलर है और ये कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में, ये इतनी मज़ेदार लग रही हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। ये देखें, ये रेडी हैं खाने के लिए और ये कितनी अच्छी लग रही हैं। किसी को भी आप सर्विंग करें इस तरह सजा कर, ये इतनी अच्छी लगेंगी। आप नूडल्स भी देख सकते हैं कि वो कितनी अच्छी स्पैगेटीज खिली खिली सी हैं। अब बाकी पेस्ट में मैं आपको ये सारी बाकी नूडल्स और बाकी पेस्ट में ये बाकी मिक्स करके दिखाती हूँ। जैसा हम सब खाना पसंद करते हैं, हम मिक्स अप करके खाना पसंद करते हैं। अब मैं अच्छी तरह से नूडल्स को इसके मिक्स करूँगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर रख दूँगी। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है इसको। ये आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये सर्व होके कितनी कलरफुल और कितनी अच्छी लग रही हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सब रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को फुल वॉच किया करें। कौन सी भी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।